ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की। जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की, ये अस्मिता गुजरात के। यहाँ खेड़ ब्रह्मा में भी छोटा अंबाजी है। खाऊंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, गौरी व्रत अर्थात नन्ही मुन्ही गुड़ियों के व्रत का त्योहार। गुजरात में छोटी सी उम्र में बेटियों को माता पिता गौरी व्रत के उपवास करवाते हैं। इस उम्र में व्रत करना वाकई बहुत कठिन होता है। जवारे उगाए जाते हैं, पूजा की जाती है और शाम को समूह में खेलते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से बेटी को मनचाहा वर प्राप्त होता है। बंधन कभी टूटे ना थे, प्रेमी कभी छूटे ना थे, बंधन कभी टूटे ना थे, प्रेमी कभी छूटे ना थे। चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। अरे नमस्कार सोनलाल जी, कैसे हैं? हाँ जी, कल रात को ये भाई अंबाजी से मैं बाबूजी सारा परिवार गए। आप कैसे हो? अरे पहुंच जाएगा, मैं आ गया हूँ ना अभी, आपका कंसाइनमेंट का कल ही रवाना करूंगा। अरे भाई हैंडीक्राफ्ट का माल है ना, अब मशीन पे तो बनता नहीं, कारीगरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हाँ हाँ मैं समझता हूँ, मार्केट में डिमांड है और शॉर्टेज बहुत चल रही है ना। अरे सोनलाल जी, एक वो लास्ट टाइम वाला पेमेंट अभी तक पहुँचा नहीं है क्या? अच्छा निकल गया है। बस नहीं तो ऐसे ही, और पैसे की तो जरूरत होती है ना, छोटा मोटा काम होता है ना। हाँ जी हाँ जी। और सोनलाल जी, बहुत दिनों से आपका वो हलवासन नहीं आया है। भाई हलवासन तो हमको बहुत प्रिय है। जी जी। तो कब भेज रहे हो? अच्छा वो भी भेजा है। क्या बात है सोनलाल जी, अरे बहुत अच्छा है भाई, हलवासन के बगैर तो मजा नहीं आता। हाँ जी ओके ठीक है, पहुंच जाएगा।
हलवा सन छोड़ और पहले चाय पी। बहू कब से खड़ी है? बहू चाय पिए तो पिए कैसे बिन नाश्ते के। ओनली चाय नो नाश्ता। ओनली चाय नो नाश्ता। जिगी बेटा, हलवा सन का नाम सुन के उसका चेहरा मोगरे के फूल जैसा खिल गया है, देखा? बाबूजी, अंबाजी से आने के बाद आपके चेहरे पर भी कितनी खुशी है और संतोष भी है। जानती हो क्यों जिगी बेटा? बरसों बाद मेरी मन्नत मेरे पोते के हाथ से पूरी हुई है और माँ भगवती का ऋण चुकाने का संतोष है और पोते के मिलने की खुशी है। और अंबाजी में अभी कितना खुश था, पूरी सफर में वो कितना खुश लग रहा था। हाँ। जिगी, हाँ? अभी है कहाँ पर? वो तो सवेरे ही निकल गया हाथ में कैमरा लेकर। हो कैमरा ले। अभी उसे गुजरात भी अच्छा लगने लगा है। हाँ? अच्छा अच्छा और अजीब भी, खासकर यहाँ की लड़कियाँ। अरे क्या हुआ, निशा ने क्या किया? अरे निशा नहीं दादाजी, थी कोई लड़की, मैं अपने शॉर्ट्स ले रहा था और देखो उसने मेरे शर्ट का क्या हाल किया, देखो। अच्छा, तुझे भी किसी ने अपने रंग में रंग लिया है? अरे क्या रंग दिया मोटा बाबा, मैनरलेस गर्ल। ठीक है, फिर से स्नान कर लेना। नहीं ले, नहीं ले। जय माता जी यजमान, जय माता जी दादाजी, कुशल मंगल, कुशल मंगल। कुशल मंगल, जय माता जी। गिरजा शंकर गौर, आप बैठिए, आप लोग बातें कीजिए, मैं शोरूम जा रहा हूँ। जय माता जी। कुशल मंगल, कुशल मंगल। पधारो पधारो मोदक महाराज, केम छो? बस सब कुछ ठीक ठाक है। पहले मुझे ये बताइए कि अंबाजी की यात्रा कैसी रही? कुशल मंगल, कुशल मंगल। जय हो, जय हो। भाई हमारे यहाँ जब से अभी आया है ना, तब से सब कुशल मंगल, कुशल मंगल। ये भी एक योग है, कुशल मंगल, कुशल मंगल। ये कैसा योग है, कुशल मंगल, कुशल मंगल? है एक योग है, कुशल मंगल, कुशल मंगल। अच्छा अच्छा, योग है कुशल मंगल, कुशल मंगल। शुभ संकेत, कुशल मंगल, कुशल मंगल। निमिषा का फोन। हेलो, हाँ निमिषा, हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ। चलो अच्छा हुआ, अंबाजी की यात्रा संपन्न, बाधा संपन्न, अब कर दो मुझे दक्षिणा अर्पण। नहीं 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 नहीं, पहले करो मेरी दक्षिणा मुझे अर्पण, मेरे पेट के करो पूरा तर्पण, फिर मैं कहूंगा कुशल मंगल, कुशल मंगल, कुशल मंगल, कुशल मंगल। लो ये लो तुम्हारी दक्षिणा। कुशल मंगल, कुशल मंगल। अब मैं कहूंगा कुशल मंगल, कुशल मंगल। जय हो। अभी अभी भी सीरियस? अभी नो मासी। ठीक है ठीक है। निशा, 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 नो मासी का फोन था, हमें बड़ौदा बुलाया है तेरे लिए लड़का दिखने। मुझे नहीं देखना है लड़का वड़का। माँ बाप जिंदगी भर लड़की को साथ नहीं रखते, एक न एक दिन उसे पराए घर भेजना ही पड़ता है। साफ क्यों नहीं कहती कि अब मैं भारी पड़ रही हूँ? गेहूं की बोरी जैसी तो हो, भारी तो हो। बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले,
कौन माँ बाप नहीं चाहता, एक बार जाके उसे देख तो ले। और देखने में हर्ज ही क्या है। सॉरी मोटी बा, क्या रही हो? दादाजी की, पापा की, मामा की और अपने भैया की बात नहीं मानेगी? क्यों नहीं मानेगी भैया, क्यों नहीं मानेगी? मान जाइए, मान जाइए, बात सबके दिल की मान जाइए। ये होगी ना बात, लेकिन एक शर्त पर। शर्त कौन सी? बात मेरी शादी की है। हाँ। तो लड़का देखने मैं सिर्फ अकेली जाऊंगी, देखूंगी फिर डिसाइड करूंगी। ओके ओके बाबा, बात तेरी शादी की है, पहले तू ही देख ले। बराबर, वहाँ तेरी मौसी भी तो है। और हाँ, एक से बने तो भाई अभी भी ऐसे ही है तो अभी भी साथ चला जाएगा। क्यों? तुम्हारे दादाजी हमेशा कहते हैं, कोई अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले डाकोर के ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए। हाँ। तभी बरोड़ा जा रहे हो तो डाकोर भी होते हैं। और मेरी राधा को एक कन्हैया भी मिल जाएगा। क्या बात है। अभी निशा देखेगी लड़का और तू देखना वडोदरा। निशा, निशा, निशा बेटा, वडोदरा जाने से पहले तू मेरे साथ चल। अंबाजी का प्रसाद है ना, पड़ोस में बांट देना। जी। अरे निशा, तुम? अभी मैं, दादाजी, हम सब अंबाजी गए थे दर्शन के लिए। ये ले उसका प्रसाद। अभी? अभी मैं, हम बरोड़ा जा रहे हैं लड़का देखने। अभी? अभी मैं जा रही हूँ, बहुत देर हुई, आके तुझे मिलूंगी, ठीक है? बाय। अभी इस जन्म से नहीं तुम, 100 जन्म से मेरे हो। जिस रूप में भी हो तुम, उस रूप में मेरे हो। अब जान लो तुम, पहचान लो तुम। आओ, जो दरमियां है वो फासले मिटा दे, एक दूसरे को आओ फिर वक्त से चुरा दे। अरे अभी। हाँ मोटा पापा। अच्छा तैयारी हो गई। देखो अभी निशा थोड़ी जिद्दी है और शरारती भी। वैसे तुम कोई कम शरारती नहीं हो। उसको संभल के ले जाओ। ये मेरी गाड़ी लेके जाओ, गुजरात की रोड बहुत अच्छी है और एक्सप्रेस वे से जाना है। ठीक है मुझे, लेकिन गाड़ी धीरे चला। ओके। ये निशा अभी तक क्यों नहीं आई? निशा। हाँ पापा। ये क्या? ये पहन के जाओ, लड़का देख रही। चेंज करो। ठीक है पापा, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ठीक है। ठीक है बेटा, पापा निकलते हैं। जी। ओके। आयुष्मान भारत। मंदिरों में डाकोर का ये मंदिर कृष्ण भक्तों का आस्था का प्रतीक है। डाकोर में कौन है, जय रण छोड़ है,
ठाकुर में विश्वकर्मा जी का मंदिर भी है और भी बहुत सारे मंदिर है, चलो देखना है। ठाकुर आना था और तुम्हारी जीवन की नई शुरुआत भी हो रही है, तो सोचा क्यों ना दर्शन करके ये शुरुआत करें। मतलब? अरे भाई लड़का देखने जा रही हो ना। शिट यार, मम्मी पापा का प्रेशर है, वरना। वरना वरना क्या? अब ठाकुर से आगे चलेंगे ना तो बड़ौदा पहुँचेंगे। होंठों पर तो ना है मगर मन में लड्डू फूट रहे हैं। डोंट जोक यार, चलो चले। चल। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी के पिछले महत्वपूर्ण वर्ष द्वारिका में बीते थे। उन दिनों यह डाकोर डंकपुर नाम से प्रसिद्ध था। डंक ऋषि ने उसे बसाया था। इस प्राचीन नगरी डाकोर में भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे विजय सिंह बोडाणा। भक्त बोडाणा पद यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारिका नियमित जाते थे। भक्त बोडाणा वृद्ध हो गए फिर भी वे अपने नियम पर अड़ग रहे। लोगों ने काफी समझाया, यहां तक कि भगवान ने स्वयं भक्त बोडाणा को द्वारिका आने पर मना किया। इसी बात को सुनकर भक्त बोडाणा ने भगवान को ही डाकोर पधारने को कहा। भगवान की मूर्ति को लेकर भक्त बोडाणा डाकोर के लिए निकले तो द्वारिका वासियों ने उन्हें रोका। यहां पर भक्त की सहायता के लिए भगवान खुद आए। भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा, मेरी मूर्ति को सोने से तोले और जिसका पलड़ा भारी वहां मैं बैठ जाऊंगा। पत्नी गंगबाई के कान की सोने की बाली से तुली मूर्ति को भक्त बोडाणा अपने साथ डाकोर ले गया। यही कारण है कि डाकोर और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति एक जैसी पाई जाती है। बोलो श्री रणछोड़ राय की जय, द्वारिकाधीश की जय। डाकोर से नजदीक है गलतेश्वर। यहां शिवजी का पौराणिक मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नदी का किनारा है गलतेश्वर, सुंदर पर्यटक स्थल है। चार बज गए और अभी तक दोपहर की चाय पीने नहीं आया। धनु दादा आ गए। कृष्णा बेटा जा चाय लेके आ, एक कप। क्या कहा, एक कप चाय? अरे शर्म कर शर्म धनिया, आज तक तुझे छोड़कर कभी मैंने अकेले चाय पी है और आज तू सिर्फ अपने लिए एक कप चाय का ऑर्डर दे रहा है। मतलब तुझे अब इस दोस्त की जरूरत ही नहीं रही है ना? अरे धनिया धनिया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो देरी से आना और ऊपर से देख राजेश। चाय। चाय। राजेश तेरी बात सुन के हमारी दोस्ती और गहरी हो गई है। प्यार मोहब्बत के दो घूंट पीते हैं बांट के। आधी चाय तू पी और आधी मैं पीता। दादाजी आपको याद है मैं और मेरी सहेली पिछले साल मुंबई गए थे? वहाँ चलते चलते कालवा देवी के होटल में गए, जिसके मेन्यू कार्ड में पड़ा अहमदाबादी चाय। मैं देख के हैरान रह गई, अहमदाबादी चाय क्या है? मैंने कुछ नहीं सोचा ऑर्डर कर दिया अहमदाबादी चाय। चाय आई तो पता लगा एक चाय और दो सॉस।
मैं तुरंत मैनेजर के पास गई और पूछे अहमदाबादी चाय में ऐसा क्या स्पेशल है। वेटर आया और बोला मैडम बहुत ही सिंपल है, एक कप चाय आधी आधी प्रेम से पियो, ये है हमारी अहमदाबादी चाय। अरे हमारे अहमदाबाद में तो ये रिवाज हो गया है। क्या है, जब भी कोई दोस्त या व्यापारी हमसे मिलने आता है तो हम उसका स्वागत चाय पिला के करते हैं। इस तरह दिन में 15-20 चाय तो हो ही जाती है। अब अगर दिन में 15-20 बार हम फुल डोज चाय पियेंगे तो हमारी सेहत का क्या होगा, है ना? और अगर उसको चाय का नहीं पूछेंगे तो पीछे से वो क्या कहेगा पता है, ये तो चाय से भी गए। और इसीलिए हम उसे प्यार से बुलाते हैं, आधी तू पी और आधी मैं पीता हूँ। धनिया, मानता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और अपनी कला से अच्छे अच्छे कलात्मक प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, लेकिन इन सबको बेचता तो तू है ना। अरे अव्वल दर्जे का सेल्समैन है तू, देखा ना कैसे पटा लिया अपने दोस्त को। लेकिन ये सब अब लंबा नहीं चलने वाला, याद रखना। राजेश, इसमें क्या हुआ कि अभी अमेरिका से आया? क्या हुआ कि अभी अमेरिका से आया और संजोग ऐसे हुए कि हम लोगों को अचानक अंबाजी जाना पड़ा। क्या हुआ मालूम है? देख देख इसमें, हाँ ये 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 देखो देखो इसमें अभी कितना खुश दिख रहा है। हाँ देखो 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 कितनी सुंदर फोटो है। वाह, अरे वाह कितनी खूबसूरत फोटो है। अरे रुक रुक, पहले मुझे देख लेना। अरे नहीं, मुझे पहले देख लेना। दिखाओ ना पापा। अरे ये ले जा, जा आराम से जाके देखना। बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। हाँ कलाकार जो है। वही बोल वही बैन, वही होठ वही नैन, वही रूप वही रंग, वही ढंग वही रीत, मेरे मेल, मेरे स्वप्न मेरी आस, मेरे प्राण मेरी सांस, मेरे बीन मेरी राग, मेरी तान मेरे गीत, मेरे मेल, मेरे प्रेम भरे अर्ध, मेरे चंद्र मेरे सूर्य, बड़ी राह ताकि रोज कई जन्म गए बीत, मेरे मेल। अरे हाँ, लेकिन तुझे अभी को लेके आना चाहिए ना, ऐसे ही चले आया। मैं लेके आता, लेकिन क्या हुआ कि नीमू मौसी ने बड़ौदा में निशा के लिए बहुत अच्छा लड़का दिखा था। ऐसा? तो अभी और निशा को बड़ौदा जाना पड़ा। अभी नेक्स्ट टाइम एक बढ़िया सा प्रोग्राम बनाएंगे पक्का। पर अभी को लेके आना। जरूर जरूर, ठीक है, डेफिनेट, पक्की बात, पक्की बात। अस्मिता गुजरात की। अस्मिता गुजरात की।